नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करिए अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कर रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रिंटआउट के लिए जो लेआउट निकालना था वो तो हमने निकाल लिया था कि हमने सेम हमारा जो सिंगल कस्टमर प्रोफाइल पेज है इसी के नाम से हमने एक और क्या बनाया, सिंपल सा एक नया पेज बना लिया कॉपी पेस्ट करके। और यहाँ पर हमको ये सोचना था कि इस प्रिंट बटन के काम पर कैसे हम यही सेम डेटा पाएँ दूसरे पेज पर, क्योंकि हमारे पास अब कस्टमर प्रोफाइल एक पेज है जहाँ से कि हम ये देख रहे हैं, दूसरा कस्टमर प्रोफाइल अंडरस्कोर प्रिंट नाम से हमने एक और पेज बनाया है जिस पर यही सेम डेटा हमको चाहिए है और हम उस पर यही सेम डेटा थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे। तो यहाँ पर हमको लॉजिक सोचना था कि हम कैसे यहाँ से सेम कस्टमर प्रोफाइल वाले मेथड से ही डेटा दूसरे यानी कि कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट वाले पेज पर भी भेज पाएँ। और यहाँ पे हमारे लिए कैप क्या था, कैप ये था कि पहला केस तो ये बन रहा है कि यहाँ पर हम बिना कुछ फिल्टर किए सिंपली सारा का सारा ट्रांजैक्शन डिटेल लेकर आ रहे हैं, और दूसरा केस क्या था कि हम यहाँ से हो सकता है फ़िल्टर करके भी डेटा लेकर आ रहे हैं। तो दोनों ही केस पे केवल और केवल वही डेटा जाना चाहिए जो यहाँ पर अपीयर हो रहा हो। तो इस केस में हमारा जो ये वाला सिनेरियो है ये तो हमको चाहिए है, दैट मीन्स कि प्रोफाइल डेटा चाहिए है, और अगर कोई डेट रेंज हमने नहीं चुना है तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा ट्रांजैक्शन चाहिए है। अदरवाइज अगर हमने कोई भी डेट रेंज चुनी है तो हम ये वाला डेट लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा केस करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। वैसे अगर सिंपल वे में आपने शायद सोचा होगा तो नॉर्मल तरीका क्या हो सकता है इसका, अगर हम बात करें अभी तो इसका नॉर्मल तरीका ये होगा कि ये प्रिंट बटन है, हमको दो मेथड मिलते हैं किसी भी फॉर्म या पेज से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। एक तो मेथड पोस्ट है और दूसरा है गेट। पोस्ट का यूज हम जनरली करते हैं जब हम फॉर्म के थ्रू डेटा कंट्रोलर पे भेजना चाहते हैं, राइट। दूसरा तरीका है गेट, अगर हम किसी एक HTML पेज से डेटा दूसरे HTML पेज तक भेजना चाहते हैं तो उस केस में हम यूज करते हैं गेट का। जैसे कि इसका आप ज़्यादातर यूज़ देखते हैं ई कॉमर्स की साइट में, आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन की साइटें देखिए, आप वहाँ पर जब भी कुछ प्रेस करते हैं, सपोज़ दैट आपने एक सेक्शन चूज़ किया मोबाइल का, मोबाइल में आप गए एक कंपनी के मोबाइल देखने, उस कंपनी के मोबाइल में सपोज़ दैट आपने क्या कहते हैं एप्पल के मोबाइल देखने के लिए किया, और एप्पल के मोबाइल में आप आईफोन 12 देखने गए, आप URL पे देखोगे कि जो कुछ आप चूज़ करते जा रहे हो वो URL पे ही बनता जा रहा है, और फिर आप बैक करोगे तो वही स्टेप बाई स्टेप वो बैक होता चला भी जाता है। वैसा ही सिंपल सिनेरियो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं अगर आपने ट्राई करने का कोशिश किया होगा तो। अब यहाँ पे सिंपल सा सोचना ये है कि हम अगर प्रिंट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रिंट बटन के क्लिक पे हमको दो चीज़ें चाहिए। पहला तो URL पे अगर आप देखो तो इस कस्टमर की यूनिक आईडी हमको चाहिए है, तो प्रिंट बटन पे क्लिक करते समय कस्टमर की ये यूनिक आईडी हमको चाहिए होगी। दूसरी चीज़, अगर हम यहाँ से कुछ फिल्टर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो इसके बाद का हमको क्या चाहिए यहाँ पर, मतलब कि फ़िल्टर डेट भी हमको चाहिए जो कुछ यहाँ पर आ रहा है वो, मतलब कि हमको URL में वो डेट और वो यूनिक आईडी चाहिए, और वो असल में यहाँ नहीं चाहिए, वो असल में कहाँ चाहिए है, इस बटन पे चाहिए। अभी अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पर ध्यान देंगे जहाँ पर कर्सर से मैं मूव कर रहा हूँ, तो प्रिंट पे जाने पे आपको दिख रहा होगा invoice-print.html है। अगर हम यहीं पर, क्योंकि हमारे पास इस HTML पेज पे दोनों ही चीज़ें हैं, याद रखना, पहला तो हमारे पास क्या है, यूनिक डेटा है, लेकिन यूनिक आईडी है, लेकिन जो ये वाला डेटा है ये हमको एक फॉर्म के थ्रू मिल रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये सेम टू सेम डेटा जो हमें मिल रहा है यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि यही सेम डेटा जब क्लिक कर रहा है कोई तो फॉर्म पे भी जाए, और प्लस अगर यहाँ से कोई क्लिक कर रहा है तो वो इस URL पे भी, मतलब कि प्रिंट पे अगर जाए तो इस URL में भी वो चीज़ जाए। और कब जाए, मान लो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फेस को समझो। एक तो हमने सबसे पहले क्या किया, हम किसी कस्टमर की इंडिविजुअल प्रोफाइल पे आए ट्रांजैक्शन देखने के लिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। लॉगिन करते हैं एंड हम ऑल कस्टमर्स पे चलते हैं। यहाँ से सपोज दैट हम एक यूज़र पे आए, अब यहाँ पे जनरली उसके सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमको दिख ही रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, कोई और यूज़र लेते हैं जिसका कि डिटेल ज़्यादा हो। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक यूज़र और है, यूट्यूब है सुशील,
इसी को हम चेक करने के लिए यहाँ पर डेट भी हमने थोड़ी सी मॉडिफाई की थी, ठीक है। अब सपोज दैट पहला तरीका तो ये है, अगर हम इस केस पे बटन पे क्लिक करते हैं, मतलब कि हमको केवल यूनिक आईडी लेकर जानी है दूसरे पेज पर। ये मैं जनरल तरीके की बात कर रहा हूँ जो हम कर सकते हैं, या आपने ट्राई किया होगा, इसको समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। और ये हम कैसे करते हैं, अभी आपको शायद याद हो, हम अगर ऑल कस्टमर डिटेल्स पे चलें तो ये उसी की देन है। हमने यहाँ पर एंकर टैग ही सेट किया था, अगर आप देखो इस पर लिंक लगा हुआ है, इसीलिए हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो कस्टमर डिटेल पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लेकर क्या जा रहे हैं, अगर आप यहाँ नीचे यूआरएल पे ध्यान दो तो हमने यूआरएल यही बनाया था कि ठीक है, बेस यूआरएल, कंट्रोलर का नाम, मेथड का नाम, कस्टमर प्रोफाइल, और इसके बाद में यूनिक आईडी उस कस्टमर की। तो इसके क्लिक पे हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर प्रोफाइल में इंडिविजुअल उस यूनिक आईडी पर जा रहे हैं, और यही सेम टू सेम एंकर टैग हमको फिर यूज करना है किसके लिए। सपोज दैट हम यहाँ पर एक प्रोफाइल में आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी फिल्टर डेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर हमको क्या चाहिए है, मेथड का नाम, कंट्रोलर का नाम, मेथड का नाम और यूनिक आईडी, सो दैट कि हम अपने प्रिंट वाले पेज पर डेटा लेकर पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैप क्या होगा, जब हम यूनिक आईडी लेकर पहुँचेंगे तो हमको पूरा का पूरा यही सेम टू सेम काम अपने एक नए मेथड पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, यही सेम टू सेम काम। तो ये कॉपी पेस्ट वाला काम हो जाएगा, बस इसमें होगा क्या, हम इतना सारा कोड पूरा का पूरा फिर से लिखेंगे, क्योंकि कोड तो यही जाएगा। और दूसरा केस क्या बनता है यहाँ पर, अगर कोई फिल्टर करने आ भी रहा है मान लो, तो यूनिक कोड तो यही रहेगा। यहाँ पर अगर हम सपोज दैट फिल्टर भी करते हैं, जैसे हमने तारीख ले ली 15 तारीख से लेकर 26 तारीख, और हमने अप्लाई किया, ठीक है, एंड गो किया। अब ध्यान रखना, जब हमने गो पे क्लिक किया तो यहाँ यूआरएल पे तो हमको डेटा नहीं मिला, बट बैकएंड में टू डेट और फ्रॉम डेट गया था, आपको शायद याद होगा, और इसको करने में हमको थोड़ी दिक्कत भी आई थी, दिख रहा है ये। दैट मीन्स कि ये भी हमको यहीं से क्लिक करने पे मिल जाएगा, और बस हमको करना क्या होगा, जैसे ये पोस्ट में जा रहा है वही सेम डेट यहाँ से हमको कहाँ मिल चुका है, यही सेम टू सेम डेट हमको कंट्रोलर पे मिल चुका है। और हम अगर चाहें तो इसी सेम टू सेम टू और फ्रॉम डेट को पास ऑन कर सकते हैं, कहाँ पर, हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर प्रोफाइल वाले पेज पर। कैसे करोगे, कैसे करोगे, सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर अगर नोटिस करो, सारा का सारा डेटा हम भेज किससे रहे हैं, डॉलर डेटा, और इसके बाद में की में हम जो कुछ भी भेज रहे हैं उसी के बिहार पर हम वहाँ डेटा भेज रहे हैं। तो ऐसे ही दो डेटा और यहाँ पर ले लोगे, क्या करोगे, डॉलर डेटा, और डॉलर डेटा में यहाँ पर टू की ले लो, और यहाँ पर वेरिएबल पास कर दो डॉलर टू। तो ये क्या करेगा, जो टू वाला डेट था वो अब आपको कस्टमर प्रोफाइल के एचटीएमएल पेज पे मिल जाएगा, सेम एज इट इज़, आप फ्रॉम के लिए भी कर सकते हो। तो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया हो कि ठीक है, हम यहाँ से फिल्टर तो किए, लेकिन उसके बाद में टू और फ्रॉम डेट हमको कैसे मिलेगा, तो वो यहाँ से मिल जाएगा। और ये क्यों हम लेकर जाएंगे, हम क्यों कस्टमर प्रोफाइल पे लेकर जाएंगे, इसका रीज़न है, क्या रीज़न है, आप यूआरएल पे सपोज दैट प्रिंट पे जब आए तो यूआरएल में मेथड के नाम के बाद में स्लैश करके यूनिक आईडी दोगे, उसके बाद में स्लैश करके टू और स्लैश करके फ्रॉम, दोनों डेट देनी पड़ेगी। और फिर जब वो डेट मिलेगी तो आप ये पूरा का पूरा कोड जो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में क्या करेगा, ये पूरा का पूरा डेटा आपके दूसरे वाले पेज, मतलब कि कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट पर पहुँच जाएगा। कैसे, क्या आप यहाँ डेट पे आओगे, सेगमेंट यूआरआई आपने यहाँ से उठा ही लिया, इसके बाद में दूसरा सेगमेंट यूआरआई आपको उठाना होगा, मतलब कि तीन, चार पे आपका टू हो गया, पाँच पे आपका फ्रॉम हो गया। लेकिन ये तरीका शायद आप में से कुछ लोगों ने किया होगा और कुछ करने का ट्राई कर रहे होंगे, या दिमाग में अभी कई सारे आइडिया चल रहे होंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। तो चलो हम इस डिस्कशन को यहाँ पर एंड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे इस फेज को, जिसमें कि हम कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट वाले पेज पर डेटा ले जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, मेरे दिमाग में बस आइडिया है, अभी मैंने भी इसको ट्राई नहीं किया, तो हो सकता है हम इसमें सक्सीड हों या हो सकता है कि हम फेल हो जाएं, लेकिन ट्राई करना तो अच्छी बात है, तो हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है दिमाग में, कि सपोज दैट आप ये देख ही रहे हो कि हम कस्टमर प्रोफाइल के मेथड में हैं, ठीक है, और हमने यहाँ पर सिंपल सा एक कंडीशन लगाया था, क्या, कि अगर कोई डेट रेंज नहीं सिलेक्ट है तब हम अपने कस्टमर प्रोफाइल वाले पेज में सारे ट्रांजेक्शन ले जा रहे हैं, बट अगर हमको टू और फ्रॉम डेट मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक रेंज का डेटा हमारे कस्टमर प्रोफाइल पर ले जा रहे हैं। तो जैसे अगर हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा सकते हैं किसके लिए, डेट रेंज के लिए, तो क्या हम यहाँ पर एक कंडीशन और नहीं लगा सकते हैं, कि अगर प्रिंट बटन पे क्लिक किया जाए तो, प्रिंट बटन पे अगर क्लिक किया जाए और उस प्रिंट बटन पर हम दे देते हैं एक नया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जैसे हमने यूनिक आईडी दिया था,
और यहाँ पर हम कंडीशन लगा देते हैं उसके लिए कि इफ़ क्या कहते हैं ये बटन जो है इसमें ये वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स कि हम प्रिंट के लिए बात कर रहे हैं। और जब प्रिंट के लिए बात कर रहे हो तो यही सेम टू सेम जो काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कस्टमर प्रोफाइल पे डेटा भेजने के लिए, वही काम हम कंडीशन के अंदर करेंगे क्या, कस्टमर प्रोफाइल डैश प्रिंट के लिए। ठीक है, चलो इसको हम करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा आइडिया या हिंट मिला हो। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं प्रॉपर तरीके से कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब इसके लिए सबसे पहले हमको चलना पड़ेगा कस्टमर प्रोफाइल के पेज पे। तो कस्टमर प्रोफाइल पे आए, यह है वो इनपुट जहाँ पर हम हैं। तो मान लो यहाँ पर अभी के लिए हमें बेस यूआरएल लगाना है, हम बेस यूआरएल लगा देते हैं यहाँ पर, बेस यूआरएल, एंड इसको हमने बंद किया, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या देना है, हमने दे दिया वेलकम। वेलकम के बाद में हमें यहाँ पे मेथड का नाम देना है, तो हम मेथड का नाम सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ से हमने कॉपी पेस्ट किया कस्टमर प्रोफाइल, देन स्लैश करके डॉट दे के हमें क्या चाहिए है अभी के लिए यहाँ पर। अब ध्यान देना, यूनिक आईडी वगैरह तो हमारे पास थी, ठीक है, बस हमें यहाँ पर भेजना क्या है, हमें यहाँ पर भेजना क्या है, एक नया पैरामीटर, कहाँ पर, थर्ड यूआरआई में। तो देखते हैं कि इसको हम ले कैसे पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करो, यूआरएल पे डेटा नहीं पड़ा है, हम बटन के थ्रू डेटा ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चैलेंज है कि हम एंकर टैग के थ्रू डेटा वहाँ पर ले जाना चाहते हैं, तो करके देखते हैं, माइट भी हमको सफलता मिल जाए। तो मान लो हम यहाँ पर भेज देते हैं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कस्टमर प्रोफाइल के बाद में हमने भेजा है प्रिंट, तो देखते हैं ये हमको मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं पेज को, हम पेज को हमने रिफ्रेश किया, प्रिंट पे आए, दिख रहा है नीचे प्रिंट है, यस प्रिंट है। अब हमको सिंपली करना क्या है, कंडीशन लगाना है वेलकम में, कंडीशन क्या लगाना है यहाँ पर, और यहीं पर हम डाई भी मार देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, कंडीशन प्रिंट बटन पर क्लिक करने पर हम इसका यूज़ करेंगे एंड डेटा प्रिंट पेज पर मूव कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लगाने वाले हैं, सिंपली हम क्या करने वाले हैं, दिस यूआरआई सिगमेंट है, हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। तो अभी तो हम कंडीशन भी नहीं लगाते, हम ऐसा करते हैं सिंपली कि प्रिंट करके हमने यहाँ पर ये लिया, और दिस, क्योंकि अभी हमको देखना है कि दिस यूआरआई सेगमेंट, एंड यहाँ पर हमने ले लिया 3, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर लिया था यहाँ पर, एंड यहीं पर हम दे देते हैं इको, और यहाँ पे दे देते हैं प्रिंट वाला एंड काउंट करने नहीं, ठीक है। सो यहीं पे हम डाई भी मार देते हैं, ठीक है। ये केस क्या है, ये केस ध्यान रखना, हम इस केस पे कब आ रहे हैं, हम इस केस पे आ रहे हैं जब प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तब। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं और प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं, खैर ये खुद ब खुद ही ले लिया। तो हमको यहाँ पर यूआरआई सिगमेंट से क्या हुआ, यूआरआई सिगमेंट देने पे जो भी यूआरएल में था डेटा वही ये लेकर आया, जाहिर सी बात है यही लेकर आएगा ये, दैट मीन्स कि ये यूआरआई वाला सिगमेंट का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से धराशायी हो जाता है। तो अब हमें ये सोचना है कि हम एंकर टैग पे जो कुछ भी डेटा है उसको कैसे पाएं यहाँ पर, क्योंकि वो प्रिंट अगर यहाँ पर मिल गया तो हम यहाँ पे बहुत आसानी से कंडीशन लगा पाएंगे। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, वीडियो पॉज करो और सोचो कि हम क्या करें यहाँ पर, क्या ऐसा कर सकते हैं, कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं। सो यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको ये प्रिंट तो चाहिए, बट प्रिंट से पहले भी हमको यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, क्या, हमारा थर्ड सेगमेंट क्या है, हमारा थर्ड यूआई सेगमेंट है हमारा यूनिक आईडी। तो यूनिक आईडी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल डेटा है, प्रोफाइल डेटा में ही हमको यूनिक आईडी भी मिल रही है, तो हम सिंपली यहाँ से यही वाला डेटा उठाते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट किया। सेकेंड फील्ड में हम क्या दे देंगे, यूनिक अंडरस्कोर आईडी, ये चला गया।
देन हम फोर्थ सेगमेंट में क्या दे रहे हैं, प्रिंट, ठीक है, और यही प्रिंट हमको चाहिए है। तो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं, क्या यहाँ पर जो हम इको करने चल रहे हैं ये असल में हम इको किसको करेंगे, यहाँ से फोर्थ को करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं क्लिक करके यहाँ तक पहुँचने का। तो अभी के लिए हम इसको कमेंट करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, पेज पे आ गए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूआरआई भी मिल रहा है नीचे यहाँ पर, और उसके बाद में प्रिंट है। तो अब हम इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं, दिख रहा है आपको, हमको यही चाहिए था, हमको नए पेज पे क्या चाहिए था, यही प्रिंट चाहिए था, प्रिंट हमको यहाँ से मिल रहा है। तो हम इसी मैसेज को थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पर आए और कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट है, प्रिंट पेज कर देते हैं हम इसको करना चाहें तो, प्रिंट अंडरस्कोर पेज, ठीक है। इसी सेम को हमने यहाँ पर लिया, अब डेटा हमको मिल चुका है तो बार बार उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, ये सारा कोड हमने हटाया एंड हमने अपने वेरिएबल का नाम दे दिया प्रिंट पेज। फोर्थ सेगमेंट पे ये डेटा मिल रहा था और यहाँ पर हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, कंडीशन हम ये देंगे कि इफ़ प्रिंट पेज नॉट नल, क्यों, इस केस को भी चलो देख लेते हैं हम। यहाँ पर मान लो यूआरआई सेगमेंट हमने फोर दिया है यहाँ पर और प्रिंट पेज में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा। इसके लिए हम वेर डंप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले अच्छा यही है कि हम इसको चेक कर लें। तो हम यहाँ पर डाई करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और हम आए यहाँ पर, मान लो हम यहाँ पर प्रिंट नहीं देते हैं, या मान लो अभी हम प्रिंट दे रहे हैं और फिर से एक बार एंटर करते हैं, आपको दिख रहा है हमको स्ट्रिंग मिल रहा है 5 कैरेक्टर का प्रिंट, लेकिन सपोज दैट मान लो हम यहाँ पर प्रिंट ना लिख कर एंटर कर दिए, क्या मिल गया, नल। और यही हमको कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या लगाना है, इसको हमने किया कमेंट, क्योंकि प्रिंट पेज में अगर हमको कुछ नहीं मिल रहा है दैट मीन्स कि नल मिल रहा है। तो हमने कंडीशन यहाँ पे लगाया इफ, इफ के बाद में प्रिंट पेज, इफ प्रिंट पेज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है मतलब कि हमने बटन दबा दिया है पेज को प्रिंट करने के लिए, और अगर हमने पेज को प्रिंट करने के लिए बटन दबाया है दैट मीन्स कि ये सारा का सारा डेटा उठकर यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं इसको करने के, ठीक है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ये सब कुछ नहीं लेता हूँ, ये वाला तो डेटा सेम टू सेम रहना है, चेंज किसको होना है, इसको होना है, बाकी ये वाला जो पेज है ये भी सेम टू सेम रहना है। तो हम चाहें तो कंडीशन केवल इतने पे लगा सकते हैं, मतलब कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, या फिर हम अभी के लिए ये तीनों कोड सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, कस्टमर प्रोफाइल डॉट प्रिंट पे असल में हमको ले जाना है। हमने दिया क्या है ये याद रखना, केवल इफ़ की कंडीशन दी है यहाँ पर, और इफ़ की कंडीशन क्या दी, अगर हमको चौथा सेगमेंट यूआरआई सेगमेंट मिलता है जिसमें कि प्रिंट पेज लिखा हुआ है जो कि नल ना हो, तो के केस में हम सीधे इस कंडीशन में आएंगे। और इस कंडीशन में हमने दिया क्या, हमने फंक्शन का नेम दिया है जो कि पेज में शो होगा, उसके बाद में हमने इसको बता दिया किस पेज पर जाना है, तो ये इसके बाहर आएगा ही नहीं, सीधे यहीं से ये क्या होगा, इस पेज पर चला जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो जो समझाना चाहता हूँ। चलो ज़्यादा समझने की क्या ज़रूरत है, हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। हम आए यहाँ पर, इसको हमने कट किया, वापस से हम इस पेज पे आए और हम एक बार क्या करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करते हैं, दिख रहा है आपको हम सिंपली कहाँ पहुँच गए हैं, दूसरे पेज पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पर ये कुछ हमको वार्निंग दे रहा है, क्या दे रहा है, कह रहा है डेटा टेबल वार्निंग, टेबल आईडी एग्जांपल वन कैन नॉट री इनिशलाइज डेटा टेबल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस एरर। अब इसको दिक्कत क्या हो रही है, तकलीफ क्या हो रही है, सेम डेटा हम दो दो जगह लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, देख रहा है दो दो बार यही सेम चीज़ ये दे दे रहा है। यही प्रॉब्लम है किसके साथ, जो हमने ये किया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हमने अभी देखा क्या कि हम तीनों लाइनों को उठा के लेकर आ गए थे, लेकिन अब यहाँ पर ये तीनों लाइनें काम नहीं कर पाएंगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो मेन लाइन है यही वाली है कि हम कब कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट पे भेजेंगे और कब हम कस्टमर प्रोफाइल पे भेजेंगे।
तो इसके लिए ये सारा डेटा हमने यहाँ से डिलीट किया। प्रिंट पेज सेगमेंट यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ ही रहने देंगे। ये जो बस कंडीशन है, ये कंडीशन हम यहाँ से कट करने वाले हैं, एंड कट करने के बाद में हम आएंगे यहाँ पर और इसको हमने पेस्ट किया, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है इसको भी हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा और इसको रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक। और ये है दूसरी वाली लाइन जो कि कहाँ चली जाएगी, एल्स के केस में। तो एल्स के केस में हम आ गए यहाँ पर, इसको हमने कट किया एंड ये पेस्ट कर दिया। अब ये हमको कतई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं देगा। हमने कह क्या दिया इसको कि अगर प्रिंट पेज नॉट नल है तब इसका मतलब ये है कि सारा डेटा उठाकर कहाँ भेज देना है, प्रिंट प्रोफाइल कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट पे, अदरवाइज ये सारा डेटा भेजना है कस्टमर प्रोफाइल पे, ठीक है। तो एक बार हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड हम इस पेज को कट किए, हम यहीं पर हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी हम उसी पेज पे हैं जिस पे थे, दैट मीन्स कि हमारा कस्टमर प्रोफाइल वाला पेज। हम यहाँ इस बटन पे क्लिक करते हैं, प्रिंट पेज पे क्लिक किया, आप नोटिस कर रहे हो कोई एरर भी नहीं मिला और हम इस समय प्रिंट पेज पे हैं। मतलब कि जो काम हम घूम फिर के करने वाले थे उसको हमने एक छोटे से कंडीशन से कर दिया है। तो अब यहाँ तक का अगर काम हमारा ख़त्म हुआ, मतलब कि अब सीधे हम चलें अपने कस्टमर प्रोफाइल पेज को हम रिनोवेट कर दें। रिनोवेट करना है, रिनोवेट करने में हमको करना क्या है, अब यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज है। चैलेंज क्या है, शायद आपने नोटिस नहीं किया बट हमको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पर करना पड़ेगा, इस टेम्पलेट पेज के अंदर हम डेटा ले तो जा रहे हैं लेकिन हमें जो प्रिंट वाला पेज है उस पर हमें ये हेडर नहीं चाहिए है, और यहाँ पर हेडर भी मिल रहा है लेकिन हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि अभी अगर आप नोटिस करो हम इसको प्रिंट करने चलेंगे तो प्रिंट करते समय हमको जो हेडर वाला पोर्शन है वो नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि ये हमारे लिए एक रिलीफ है कि हमको वो वाला सेक्शन नहीं मिलता है। तो चलो हम इसी के साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम इससे आगे ले चल सकते हैं कि नहीं। तो अब सबसे पहले हम इस पेज को रिनोवेट कर लेते हैं, ठीक है। और रिनोवेट करने में करना क्या है, कस्टमर प्रोफाइल के डेटा से लेकर नीचे तक का सारा डेटा हमको रिनोवेट करना है, क्योंकि जो डेटा हमको यहाँ मिल रहा है वो इतना सारा डेटा है, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर पे एंड अब चलते हैं हम अपने कस्टमर प्रोफाइल प्रिंट पेज पे। इस पेज पे सबसे पहले जल्दी जल्दी हमें क्या करना है, कस्टमर प्रोफाइल है तो कस्टमर प्रोफाइल तो हम लिखेंगे नहीं, ये पूरा का पूरा सेक्शन ही हम उड़ा देंगे। एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट में दिख क्या रहा है, ठीक है। कस्टमर वाला तो सेक्शन वैसे दिख भी नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हम उसको हटा देते हैं, ये वाला जो सेक्शन है हम इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। हम इसको कुछ कैसा करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये बड़े बड़े में है ऐसा ही कुछ। तो हमने इसको कट किया एंड यहाँ पर बस हम एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर साइड बाई साइड डेटा दिखा देंगे और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम उड़ा दे रहे हैं। तो हम आते हैं नीचे एंड कोल MD3 हमने ले रखा था, जो ये कोल MD3 अब हम नहीं लेने वाले हैं, कोल MD3 गया। कोल MD9 जो है हम इस डेटा का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको उड़ा दिया सबसे पहले, ठीक है। एंड यहाँ पर कोल MD9 है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोल MD6 लेंगे। और एक्टिव टैब पेन है, एक्टिविटी है एंड यहाँ पर कई सारा डेटा है। तो हम ऐसा करते हैं पहले इसी सेम टू सेम कोल को हम कॉपी किए एंड ये लाइन तो रहनी भी नहीं है, हमने पेस्ट किया, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें से एक्चुअली हम कई सारा कोड अभी उड़ाने वाले हैं। उसी नाइन वाले कॉल को ही मैंने क्या किया है, यहाँ पर कॉपी कर लिया है। और थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है क्या, ये कॉल यहाँ से रहना चाहिए, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हम सिंपली इसको 4 दे रहे हैं और इसके बाद वाले में भी हम क्या करेंगे, ये वाला जो है इसको भी हम 4 दे रहे हैं, मतलब कि टोटल हम इसको 8 दे रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 4 का स्पेस बचता है वो हम छोड़ देंगे। एक बार रिफ्रेश करके देखें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, दिख रहा है इतने इतने पे हमको मिल गया। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ डिटेल हम यहाँ पर दे देते हैं, कुछ डिटेल हम यहाँ पर दे देते हैं, क्योंकि इनवॉइस वाला अगर देखा जाए तो फ्रॉम है टू है, इस तरीके से दे रहे हैं
तो हम यहाँ पर कस्टमर का नेम दे देते हैं। वैसे 4 4 8 4 3 12 हम 3 बॉक्स बना सकते हैं यहाँ पर। तो कस्टमर का नेम हो सकता है, उसका डेट, एक बार में हम सोच लेते हैं कि क्या क्या देना चाहिए। इसको हम फ्रंट पेज से ही देखते हैं। कस्टमर का नेम यहाँ पर दे देते हैं, यूनिक आईडी दे देते हैं। तीन चीज़ अभी के लिए हम देते हैं, आईडी, नेम और डेट। तो ये बाकी सारा डेटा हम यहाँ से उड़ा देने वाले हैं, ये ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं रखने वाले हैं। और यहाँ तक का जो डेटा है हम केवल एक एक लाइन रखेंगे, ठीक है। ये डेटा हमने ले लिया, बस इतना ही डेटा रखेंगे, इससे ज़्यादा कोई डेटा हम रखने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर हम रखेंगे यूनिक आईडी, पहली चीज़ हो गई। एंड यहाँ पर हम दे देते हैं यूनिक अंडरस्कोर आईडी, और इसको हमने किया मिनिमाइज़। ये पहला डेटा हो गया कॉल का। और इसी तरीके से दूसरा डेटा भी हम दे देते हैं, एक मिनट, दूसरा डेटा भी हम दे देते हैं। और यहाँ पर हम दे देते हैं नेम, नेम हो गया, एंड नेम में यहाँ पर हो गया नेम। इसके बाद में जो तीसरा डेटा है यहाँ पर, इसमें हम दे देते हैं डेट। तो डेट देते समय ये सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देना है। डेट हम क्या करने वाले हैं, डेट हम देंगे आज की, ठीक है, डेट। और डेट अगर हमें आज की देनी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम क्या करें, सिंपली डेट मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पर हम बता देते हैं कि हम देने वाले क्या हैं, ठीक है। चलो एक बार इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि इसने क्या किया, दिख रहा है डेट मिल गई। हम इसको अगर चाहें तो डी एम वाई भी कर सकते हैं, डी एम वाई, सब कुछ तो ठीक है, बस यहाँ पर स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है नीचे से, ये बॉक्सेस पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, इतना स्पेस की ज़रूरत हमको नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमको इतना सारा फालतू का कंटेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये जो क्या कहते हैं, पोस्ट के लिए लिया गया है, एक्टिव पैन लिया गया है, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ऐसा करते हैं हम, आप इसको जो है मॉडिफाई करने का कोशिश करो, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे को और इस पूरे को हम ठीक करेंगे, प्रिंटआउट के फॉर्म में करेंगे, ठीक है। इससे पहले आप इसको ट्राई कर लो खुद से करने का, अगर होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कस्टमाइज करेंगे पूरी तरीके से। ये जो फालतू का स्पेस वगैरह आ रहा है ये भी ठीक करेंगे, और ये नीचे में भी जो चीज़ें हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ़िल्टर वगैरह अब नहीं चाहिए होगा, ये भी नहीं चाहिए होगा, ये भी नहीं चाहिए होगा, तो ये सारी चीज़ें हमको ठीक करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इसको नीट एंड क्लीन बनाना है, ट्रांजेक्शन के बिहार जैसा बनाना है, यहाँ से फालतू की स्पेस हटाने हैं, ये वाला सेक्शन नहीं रहेगा पूरा का पूरा, इसको हटा देना है, ये भी सेक्शन पूरा का पूरा नहीं रहेगा, इसको भी हटाना है, ठीक है। तो हमको सिंपली क्या करना है, बस उतना डेटा देना है जितना कि ट्रांजेक्शन पेज पे दिखाना है, जितना ट्रांजेक्शन आ रहा है बस उतना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ट्राई करोगे करोगे, तो कोडिंग करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए काम को पूरा करने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।